हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस क्लास में हमने एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर डेटा को लॉक कराया था। आज की क्लास में एसक्यूएल डेटाबेस से हम एक्सेल शीट के अंदर डेटा को रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्काडा के अंदर आएंगे और जो हमने यहाँ पर एक रिपोर्ट 2 नाम से एक रिपोर्ट बना दी है, सेमी रिपोर्ट है और सेमी इसका कोड है। जो रिपोर्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि एमएस एक्सेस के साथ लिखी थी वही सेम रिपोर्ट है। इसके अंदर हमने डिस्प्ले में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं और जो मॉड्यूल के अंदर कोड लिखा था इसके अंदर भी हमने कुछ चेंज नहीं किया। सिर्फ हमने इसके जो ओडीबीसी कनेक्शन था वो हमने दूसरा किया, यानी कि ओडीबीसी कनेक्शन हमने रिपोर्ट 2 डीएसएन के नाम से किया है, क्योंकि इसका जो ओडीबीसी कनेक्शन है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। विंडो के अंदर जाएंगे, सिस्वाव फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ओडीबीसी के अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक हमने जो एमएस एक्सेस के थ्रू जो डेटा लॉक कराया था वो रिपोर्ट 1 डीएसएन के नाम से बना था और दूसरा आज जो बनाया है वो रिपोर्ट 2 डीएसएन के नाम से बनाया है, जो कि एसक्यूएल सर्वर के डेटा को लॉक करा रहा है। इसको मिनिमाइज करा देते हैं तो वही हमने यहाँ पर डाल दिया है, जबकि प्रीवियस क्लास में जो रिपोर्ट बनाई थी वहाँ पर हमने इसका दूसरा वाला यानी कि ये रिपोर्ट 1 डीएसएन दिया था, इसके अंदर हमने ये चेंज कर दिया। दूसरा इसका जो डेट का फॉर्मेट है उसको रीड करने के लिए जब हम एमएस एक्सेस के अंदर से रीड करते हैं तब जो यहाँ पर कॉलन लगाते हैं वो हैश रहता है। यहाँ पे हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉलन लगाया है, एक यहाँ पर लगाया है, दूसरा इसके बाद यहाँ पर लगाया है और दूसरा यहाँ पर लगाया है और एक लास्ट में यहाँ पर लगाया है। ये जो एमएस एक्सेस के साथ जब हम रीड करते हैं तब यहाँ पर हमारा हैश रहता है, ये यहाँ 4 जगह हैश लगाया था और बाकी एक जगह और भी है, जैसे यहाँ पर भी हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है ये, और बाकी सेम ही कोड है जो प्रीवियस हमने एमएस एक्सेस के साथ टेस्ट किया था। क्लोज कर देते हैं, इसकी रिपोर्ट को तैयार कर लिया। अब एक बार इस रिपोर्ट को चलाने के लिए हमने इस रिपोर्ट 2 को इसके अंदर कनेक्शन दिया है, रिपोर्ट 2 तो डिस्प्ले 2 के अंदर ये ओपन होके आएगी। एक बार हम इसको चेक करेंगे, इस सेव कर देते हैं और रन टाइम में आएंगे, एक बार डिस्प्ले को रिफ्रेश करेंगे और दूसरी वाली डिस्प्ले पर हम एक बार रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी रिपोर्ट खुल के आई है। इस रिपोर्ट के अंदर हम इस बॉक्स को एक बार चेक करेंगे तो ये जनरेट पोर्ट वाली बटन इनेबल हो जाएगी और फिर हम इस पर क्लिक करके डेटा को देखेंगे कि ये रीड करता है। इसने ये रीड कर लिया है और एवरी 2-2 मिनट के हिसाब से ये डेटा को रीड कर रहा है। पहले इसने 3:45 पर एक डेटा को रिकॉर्ड किया तो ये सारा डेटा जो है 2-2 मिनट के हिसाब से जो हमने रिकॉर्ड कराया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज की क्लास में हमने पहले स्काडा का डेटा एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस में लॉक कराया और फिर एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा को एक्सेल शीट के अंदर रीड करा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या फिर इस प्रोसीजर को करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।